हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं निशा त्रिवेदी, गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? इन प्रीवियस क्लासेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन। वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट अबाउट एज सेक्स पिरामिड। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज। यानी कि हमने लास्ट क्लासेस में पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में डिस्कस किया था, पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके से पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या फैक्ट्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से एज ग्रुप के लोग शामिल होते हैं जिसमें मेल फीमेल एजुकेटेड, और साथ ही उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कौन से उसमें वो एम्प्लॉयड हैं, उनके इनकम का लेवल क्या है, हेल्थ कंडीशंस क्या है। तो हमने इस तरीके से हमने लोगों का एज ग्रुप टेस्ट किया था, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज, जो पॉपुलेशन का पिरामिड है वो क्या दिखाता है अलग अलग कंट्रीज़ का और इंडिया का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेसन। द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इंटू वेरियस एज ग्रुप्स। टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या को विभिन्न विभिन्न एज ग्रुपों में, विभिन्न आयु समूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे 5 to 9 years, 5 से 9 साल का, 10 to 14 years, 10 से 14 वर्ष का। ठीक है, तो इस तरीके के एज ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया है। यानी कि एक तरफ तो वो जनसंख्या जो 5 से 9 वर्ष के उसमें बच्चे शामिल हैं, फिर उसके बाद 10 से 14 वर्ष के इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया। द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत, सब डिवाइडेड इंटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। यानी प्रत्येक समूह में से जितने भी मेल और फीमेल हैं, उन मेल और फीमेल के नंबर से जनसंख्या का टोटल परसेंटेज, टोटल जनसंख्या के परसेंटेज को क्या कर दिया गया, सब डिवाइड कर दिया जाता है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड यानी कि जनसंख्या पिरामिड का जो शेप है, आकार है, टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। यानी किसी विशेष देश में रहने वाले लोगों की स्टोरी के बारे में पॉपुलेशन पिरामिड का शेप बताता है। द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 years आर शोन एट द बॉटम। यानी कि जो 15 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं की संख्या है, 15 वर्ष से नीचे के बच्चों की संख्या नीचे दिखाई गई है। एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, साथ ही यह 15 वर्ष में जो बच्चे हैं उनके जन्म स्तर को भी दिखाती है। द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर्स ऑफ एज्ड पीपल एंड रिफ्लेक्ट द नंबर्स ऑफ डेथ्स। तो जो 65 वर्ष के से ऊपर के लोग हैं, 65 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनको पिरामिड के ऊपर दिखाया गया है, और साथ ही उनके नंबर को भी दिखाया गया कि कितनी डेथ उनकी हुई है, कितनी संख्या में उनकी डेथ हुई है, उस नंबर को भी दिखाया गया है। द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल्स अस, जनसंख्या पिरामिड हमें यह भी बताता है, हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री, कि देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो आश्रित हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स। अब आश्रित रहने वालों के भी दो समूह हैं, यंग डिपेंडेंट्स यानी कि वो यंग डिपेंडेंट्स, वो यंग निर्भर जो 15 साल से नीचे के हैं, एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स और जो बुजुर्ग निर्भर हैं वो 65 के एज में आते हैं, जिनकी 65 से अबव एज है या 65 है, तो ये दो ग्रुप हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और जो बच जाते हैं वो इकोनॉमिकली रूप से या आर्थिक रूप से सक्रिय हैं, जो कि वर्किंग एज में आते हैं, काम करने वाली उम्र में आते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री यानी एक देश का जनसंख्या पिरामिड, इन विच जिसमें बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई, इज ब्रॉड एट द बेस। तो एक जनसंख्या, एक किसी देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च स्तर पर दिखाए गए हैं, उन तो उससे उनका जो बेस दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, जब जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊँचे दिखाए जाएंगे तो उनका बेस कैसा होगा, मजबूत होगा जनसंख्या के मामले में। एंड रैपिडली नैरोज टुवार्ड्स द टॉप, और ऊपर तक जाते हुए उनकी क्या होगी, स्पीड दिखाई देगी, उनका जो जनसंख्या का जो फ्लो होगा वो स्पीडली दिखाई देगा। दिस इज बिकॉज ऑल दो
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक कंट्री मान लीजिए जिसका जनसंख्या पिरामिड, जिसमें एक कंट्री का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म और मृत्यु दर को दोनों अगर हाई दिखाए गए हैं बेस से, ठीक है, शुरुआत में हाई रेट है उनका डेथ और बर्थ रेट का, और बाद में वो नैरो जो हो जाता है, मींस के जब वो टॉप पर धीरे धीरे जब पहुंचता है ना, आप एक तरीके से इसको देखिए, पहले तो हाई है इधर साइड, ठीक है, पहले हाई है और धीरे धीरे जब ये टॉप पर पहुंचता है तो कैसा होता चला जाता है, टॉप पर होता जाता है, जब लो होता जाता है, नैरो होता जाता है, यानी छोटा होता जाता है। यहाँ से आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, चौड़ा दिखाई दे रहा है, ब्रॉड दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, इसका बेस है किसी पॉपुलेशन का, ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा, यहाँ पे आपको बड़ा दिखाई देगा और धीरे धीरे आपको सिकुड़ता हुआ दिखाई देगा, टॉप पे जाते टाइम आपको ये नैरो दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। तो इसके इसमें इस लाइन में यही कहा गया है, ठीक है। अब ये ऐसा ये छोटा क्यों होता चला जाता है बाद में, दिस इज बिकॉज ऑल्दो, ये यद्यपि इसका कारण है, मैनी चिल्ड्रन आर बॉर्न, बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, और उन जन्म लेने वाले बच्चों में बहुत बड़े परसेंटेज में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने शैशव काल में, यानी कि जब वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उस समय मर जाते हैं। रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स, जिनमें से कुछ एडल्ट्स हो जाते हैं, एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, और इनमें से बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो अपना मतलब बूढ़े होते हैं। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाई द पिरामिड शोन फॉर केन्या, और इसी तरीके की सिचुएशन जो केन्या के लिए पिरामिड में दिखाई गई है। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स अमंग इन कंट्रीज देशों में वेयर डेथ रेट्स आर डिक्रीजिंग, यानी कि वो देश जहाँ पे मृत्यु दर घट रही है, द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स। तो जनसंख्या का जो पिरामिड है वो यंगर एज में कैसा होगा, ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव्स टू एडल्टहुड, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अपने यौवनावस्था में जी रहे होंगे, ठीक है, तो इसलिए उनका जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, ब्रॉड होगा, बड़ा होगा। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया, इस तरीके से हम इंडिया के पिरामिड में भी देख सकते हैं। सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, इस तरीके की जनसंख्या में बड़े पैमाने पर युवा लोग शामिल होते हैं, एंड विच मीन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, और इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि उसमें उस जनसंख्या में क्या है, मजबूत और विस्तृत श्रम बल है, ठीक है, क्योंकि युवा में ही तो श्रम शक्ति मौजूद होती है। इन कंट्रीज लाइक जापान, यानी जापान जैसे देश में लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, लो बर्थ रेट यानी कि निम्न जन्म दर मेक द पिरामिड नैरो, पिरामिड को छोटा बनाती है एट द बेस यानी आधार से। तो जापान जैसे देशों में जन्म दर निम्न होने के कारण, कम होने के कारण वहाँ पर पिरामिड को वह आधार से छोटा बना देती है। डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउज नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, तो जो मृत्यु दर घटती हुई मृत्यु दर लोगों को अपनी बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचाने में मदद करती है। देखिए जब इन्फेंट जब युवावस्था में बालपन में इंसान ठीक रहता है तो वो धीरे धीरे अपनी जो ओल्ड एज होती है उसको आसानी से प्राप्त कर लेता है, ठीक है, लेकिन जब इन्फेंसी टाइम में यानी कि जब वो शिशु होता है उसी टाइम में उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अपना यंगर एज और ओल्ड एज को प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वहीं से बेस क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, तो जो मृत्यु दर घटती हुई मृत्यु दर बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी ओल्ड एज तक पहुंचा देती है। स्किल्ड यानी कि कुशल, स्पिरिटेड जोशीले एंड होपफुल यंग और उत्साही या फिर आशापूर्ण यंग पीपल एंडोर्ड विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, तो वो किसी भी राष्ट्र के क्या होते हैं, भविष्य होते हैं एक तरीके से, अपने पॉजिटिव आउटलुक के जरिए वो क्या कर देते हैं, एक राष्ट्र को सहायता देते हैं, ठीक है। तो ये बात तो आपने सुनी होगी स्टूडेंट्स की जो युवा वर्ग होता है वो किसी देश का भविष्य होता है, ठीक है, अक्सर जब क्लासेस में भी बोल दिया जाता है कि स्टूडेंट से कि आप लोग हमारे देश का भविष्य हो, तो ऐसे ही नहीं बोला जाता, वो इसी चीज़ को लेकर के बोला जाता है, क्योंकि जो मेनली जो यंग पीपल होते हैं वही देश का भविष्य होते हैं, ठीक है, क्योंकि वही देश के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है।
वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स। तो हम जो भारत के लोग हैं, एक हम खुद भी क्या है, एक संसाधन है। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स, यानी उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें जरूरी जरूरी है कि उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें स्किल प्रोवाइड किए जाए, उसे कुशलता प्रदान की जाए, एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल, साथ ही उन्हें अवसर प्रदान किए जाए ताकि वो एक योग्य बन सकें एंड प्रोडक्टिव और उत्पादनशील बन सकें, ठीक है, देश के लिए उत्पादन कर सकें। नाउ अवर लेसन हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।